किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योड़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं। जिसे हम दिल का वीराना समझ कर छोड़वाए थे, वहां उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं। ओहो, टूथपेस्ट तो मैं फिर लाना भूल गई। कोई बात नहीं, एक दिन और चल जाएगी। अरे कैसे चल जाएगी, जब से तो कुश्ती लड़े हैं आप उसके साथ। अरे भाई ये देखो ना, निकल आई। कल ले आना। कल आएगी तो अगले महीने के हिसाब में जाएगी ना। आप और आपका हिसाब। भाई वो मेरा लंच बॉक्स दे दो, मुझे देर हो रही है। इन कॉर्पोरेशन वालों को तुम नहीं जानती हो, आज नहीं पहुंचा तो फिर एक महीने के लिए और लटका देंगे। फिर किसी की हथेली गरम करो, किसी को खुश करो। ये लीजिए, यहाँ तो आपको हमेशा जल्दी रहती है, वहां बाहर जाकर दुकान पर एक घंटा और लगाएंगे आप। आज भांडे बर्तन वाली फिर नहीं आई। तो कोई किस्तों पर मिलती हो तो बता दो, दूसरी ला दे। आपको तो बस मजाक सूझता है, घिसना पिसना तो मुझे पड़ता है ना, आपका क्या? भाई तो बताओ ना क्या करें। बेटे से कहो एक बहू ला देना। हाँ ऐसा मत करना। अरे भांडे बर्तन वाली तो 60-70 रुपए तनख्वाह पर मिल जाएगी, बहू अगर आ गई तो 300 रुपए का तो खाना खाएगी, कपड़ा लत्ता अलग, ज्यादा महंगी पड़ेगी। और सुख दुख जो बांटेगी वो? सुख दुख लो, मैं किस लिए हूं? सुख दुख में कौन सी दालचीनी लगती है? हर चीज का हिसाब किताब कर लेते हैं आप, है ना? हिसाब ठीक है ना, बस तो फिर और क्या चाहिए। ये क्या लिख रहा है? हाँ? जी वो गौतम डिस्पेंसरी। लेकिन ये GOUT, गौतम तो GAUT होता है ना? कागज पर तो यही लिखकर दिया है GOUTAM। न्यूमरोलॉजी का चक्कर होगा कोई, लेकिन फिर भी फोन करके पूछ लेना एक बार। लेकिन ये हिंदी में क्यों नहीं लिखा? बाबूजी मुझे क्या मालूम, जो ऑर्डर मिला है वही तो कर रहा हूँ। भाई गौतम हिंदी में, चैटर्जी मार्ग हिंदी में और बोर्ड अंग्रेजी में। तो आप जो कॉरपोरेशन से रास्तों के ऑर्डर लेके आते हैं वो भी तो वही होते हैं, अलकनंदा मार्ग, दीवान तेज मानपाल चौक, वो देखिए वो पड़े हैं ना सबके सब अंग्रेजी में। अच्छा साउथ एवेन्यू के कुछ ऑर्डर मिलने वाले हैं, मैं कॉरपोरेशन के ऑफिस जा रहा हूँ। लो एक और। ये क्या है भाई? अरे कमेटी में डबल M होता है। वो दास बाबू ने लिखा है। कहाँ है दास बाबू? अपना हिसाब करके चले गए कल शाम को। क्यों? इतनी अच्छी हैंडराइटिंग थी, ड्राइंग भी अच्छी कर लेते थे। एक तो हर वक्त एडवांस मांगते रहते थे बाबूजी, इन 7 महीनों में 2 बार उनकी तनख्वाह बढ़ा चुका था। 700 ज्वाइन किया था, 1100 रुपये ले रहे थे। अभी कल फिर कहने लगे कि वो 1250 कर दीजिए। अरे ऐसी कौन सी मुसीबत थी उन पर? सुना है बेटी की शादी में उन्होंने कुछ उधार लिया था, अब सूद का फंदा पड़ा है गले में, बार बार फंसता है। लेकिन इतना अच्छा वर्कर मिलना जरा मुश्किल काम है,
और अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट मिल भी जाए तो 3 महीने बाद वो अपने प्राइवेट ऑर्डर लेने लगता है। खैर देखते हैं। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? ये बोर्ड लिखवाना है, मतलब पेंट करवाना है। हाँ हाँ, हो जाएगा। स्कूल का है? जी हाँ, विवेक विद्यालय के लिए है। ये लेटरिंग किसकी है? बहुत अच्छा हाथ है। मेरी बेटी ने लिखा है, वो स्कूल में ड्राइंग करती थी। अच्छा अच्छा, अब क्या करती हैं? पढ़ती हैं कॉलेज में? अरे नहीं, वो ग्रेजुएट है, अब तो नौकरी करती है वो। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ए सोमू, इधर आओ। और आप? जी मैं मास्टर हूँ यहीं विवेक विद्यालय में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बेटे अंदर ले जाओ बोर्ड, अंदर ध्यान से। देखिए कितना लगेगा बता देते तो। अब देखिए स्कूल का बहुत फिक्स बजट होता है और ज्यादा भी नहीं होता। मास्टर जी हर चीज में हिसाब किताब नहीं होता, आपका जो बजट होगा उसमें हो जाएगा। सरवण जी। बाबूजी। हाँ, ये मेरा बेटा सरवण कुमार, यही दुकान की देखभाल करता है। अच्छा अच्छा, आप मास्टर जी हैं? हाँ जी। हाँ, विवेक विद्यालय में पढ़ाते हैं। जीते रहो बेटे, जीते रहो। इनका बोर्ड पेंट करना है। और सुनो, पैसे की बातचीत नहीं करना, जो दें सत वचन कह के ले लेना। सत वचन बाबूजी। अच्छा बस जी। अरे हाँ लो ये। इतनी रात गए तक क्या चल रहा है भाई श्रवण? बाबूजी प्लम्बिंग वाले का बोर्ड देना है कल, तो सोचा कलर कर दूं, सुबह तक सूखने का टाइम मिल जाएगा। लो, अंग्रेजी के हिंदी में लिखे जाते हैं और हिंदी के अंग्रेजी में, अब ये प्लम्बिंग को हिंदी में लिखने की क्या जरूरत थी? बाबूजी एक बात बताइए, क्या ये प्लम्बिंग को हिंदी में कहते क्या? कुछ नहीं कहते। अच्छा प्लम्बिंग ही कह लो, लेकिन एक बात याद रख लो, प्लम्बिंग हिंदी का शब्द नहीं है भाई। ING की ग्रामर हिंदी में होती नहीं है। बाबूजी प्लम्बिंग को जो भी कहते हैं हिंदी में वो समझेगा कोई नहीं, इसलिए अंग्रेजी का प्लम्बिंग ही ठीक है। तो फिर अंग्रेजी में लिखो। आजी सुनते हो? अच्छा बाबूजी इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? किसे? ये अजी सुनते हो? दीनानाथ, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। अच्छा सुनो, वो मास्टर जी के बोर्ड का क्या हुआ? बाबूजी सोम लाइनिंग कर रहा है, मतलब हिंदी में लकीरें खींच रहा है, सुबह रंगना शुरू कर देंगे। बैठो बैठो बैठो, काम करो। भाई कुछ भी कहो, इस लड़की का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। नहीं जी, हैंडराइटिंग? जी जी हाँ, बता रहे थे। हाँ अच्छा सुन, सुनो एक काम करें, अगर पार्ट टाइम में इस लड़की को हम यहाँ रख लें ड्रॉइंग के लिए। जी भाई क्या हर्ज है, यूं भी सर्विस तो करती है। बाबूजी आपको मालूम? कैसे मालूम? अरे वो बता रहे थे उसके पिताजी। लेकिन आप तो 1 मिनट के लिए मिले थे उनसे, आपने इतना कुछ मालूम कर लिया? भाई तुम लोग तो नाक के आगे कुछ देखते नहीं ना। अब मैं कोई छानबीन थोड़ी कर रहा था, वो तो मेरी निगाह पड़ गई बोर्ड पर। मैंने पूछ लिया कि भैया लेटरिंग किसकी है। अजी सुनते हो? लो फिर आई दीनानाथ की पुकार। अच्छा तो कल मेरा ख्याल है मैं स्कूल चला जाता हूँ। क्या यही मालूम करने के लिए? अरे नहीं भाई, अब एक ही बोर्ड तो नहीं है ना स्कूल में, और भी होंगे, पहले भी बने होंगे आगे भी बनेंगे, और अगर बात छिड़ गई तो टोकर वो भी पूछ लूंगा। आजी सुनते हो? भाई अब चलता हूँ, ये 3री घंटी है। अच्छा हाँ सुनाओ भाई सुनाओ, क्या है?
गुड मॉर्निंग बेटे। तब तो हमें उषा की शादी की कोई जल्दी नहीं थी, ना मुझे ना उषा की माँ को, लेकिन अब ख्याल आता है भाई साहब, क्या और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। कितने साल हो गए नौकरी करते हुए? देख लीजिए, ये चौथा साल है। बीए के बाद जब नौकरी करने की ख्वाहिश जाहिर की उषा ने, तो हमें कोई एतराज नहीं हुआ, ना मुझे ना उषा की माँ को। बस एक ही बात का डर था। किस बात का डर? यही कि कल को कोई वर अपने आप चुन कर ना ले आए। आखिर है तो बच्ची ही, अब यूं ही कदबूत निकल आने से बच्चे समझदार तो नहीं हो जाते ना। लेकिन आप यकीन मानिए भाई साहब कि आज तक उषा ने हमें इस तरह की कोई चिंता नहीं दी, न मुझे न उषा की माँ को। मैंने पूछा भी था एक बार, अब देखिए ना, एक ही एक तो बच्ची है, यूं ही किसी को सौंप देते डर लगता है भाई साहब। वैसे मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, उषा की माँ ने ही बात निकाली थी एक दिन। 10 बजे तेरा दफ्तर लगता है और तू इतनी जल्दी घर से निकल जाती है, क्या करती है इतनी जल्दी दफ्तर जाकर? लड़कों के साथ गप्पे मारती हूँ, बड़े हैंडसम हैंडसम लड़के हैं मेरे दफ्तर में। देखो भाई, मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ, इस तरह मेरी बेटी पर शक मत किया करो। नहीं पापा, मैं तो यूं ही सता रही थी माँ को। अच्छा, शैतान। घर से कभी अकेली निकली नहीं, सारा दिन उनका दम सूखा रहता है। शाम को जब लौटती हूँ तो उनके शक्ल से पता चलता है कि सुबह की रुकी हुई सांस अब निकली है। बिटिया, तुझे पता नहीं है, माँ को वैसे भी अपनी बेटियों के बारे में डर लगा ही रहता है। कोई डर नहीं लगा रहता मुझे। एक दिन किसी लड़के को स्कूटर के पीछे बिठा कर ले आएगी और तब पूछूंगी मैं आपसे, बड़े निडर बनते हो ना। अरे नहीं भाई, अब ऐसा भी नहीं है, डर तो मुझे भी लगता है, मगर यूं ऐसे तुम्हारी तरह नहीं। मुझे ये डर नहीं है कि वो किसी दिन किसी को अपने साथ ले आएगी। आपको तो ये डर है कि कहीं कोई भगा के ना ले जाए। नहीं नहीं, मैं तो ये डरता हूँ कि फिकर रहती है हर वक्त के इसका स्कूटर उठाकर कोई ना ले जाए। कितना महंगा आता है ना। ये कैसी बहस में पड़ गए आप दोनों। देख माँ, वहाँ कोई लड़का वर्का नहीं रहता है, ना किसी के साथ मेरा रोमांस है। जब जिससे शादी करने के लिए कहोगे कर लूंगी, और कहीं मेरा जी चाहे तो बता दूंगी, आप जाकर देख लेना। ए, पिटाई होगी अभी तेरी, चल भाग, देर हो रही है तुझे। चलिए आपको स्कूल छोड़ दूं। नहीं तू जा, मैं बस से आ जाऊंगा। चले जाइए ना, छोड़ देगी रास्ते में आपको। अरे कैसी बातें करती हो तुम, मुझे शर्म आती है उसके पीछे स्कूटर पर बैठते हुए। ये इतनी सी लड़की और उसके पीछे इतना बड़ा बाप बैठा हुआ। जा तू जा। आप भी सीख लो ना स्कूटर चलाना। अच्छा, तुम ही क्यों नहीं सीख लेती? रोजाना वो स्कूल जाकर मुझे छोड़ा ना। फिर अब कोई रिश्ता है नजर में? दहेज भाई साहब। गुड मॉर्निंग साहब। मॉर्निंग बेटे, जिससे भी बेटी की बात करो वो पहले दहेज की बात करते हैं। शादी जैसे दहेज से हो रही है, बेटी तो बस एक साइड इशू है। कोई 50,000 का दहेज मांगता है तो कोई 1,00,000 का, और जिन्हें नगद रुपयों की जरूरत नहीं होती वो अपने बेटों के नाम स्कूटर या कार मांग लेते हैं। एक साहब तो सारी बात पक्की हो जाने के बाद उठते उठते कहने लगे, माफ कीजिएगा भाई साहब, सोना और जेवर तो आशीर्वाद होता है माँ बाप का, आखिर आपकी बेटी ही तो पहनेगी, वक्त बेवक्त उसी के तो काम आएगा। अच्छा नमस्ते। अब तो बस ले दे के एक घर बचा है जिसमें हम रहते हैं, उसे छोड़ दें तो पगड़ी मिल जाएगी, लेकिन पगड़ी ले लें तो सर कहां छुपाएंगे। बहुत समय ले लिया आपका। अरे नहीं भाई साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं भी आऊंगा कल वल में, बोर्ड तैयार हो जाए तो देख भी लूंगा और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक, जरूर। नमस्ते। अच्छा
जी कैसा लगा? अच्छा है, सिर्फ ये एक ही डंडी जो आगे ओ माय गॉड, रंग गीला है अभी। अच्छा अब बता रहे हो जब हाथ को लग गया। बाबूजी मुझे मालूम थोड़ी था कि वो चक्के देखेंगे। पाजी ए पागल, दुपट्टा क्यों खराब कर रही है? उधर से जाकर कोई डस्टर ले लो ना। आइए देखिए मास्टर जी, ये बोर्ड रंगाई का तो हम एक पैसा नहीं लेंगे, लेकिन दुपट्टा रंगाई के पूरे पैसे लेंगे। जी जी I'm sorry, मैंने खराब कर दिया, आपको फिर से ठीक करना पड़ेगा। जी नहीं, ये बोर्ड तो अब हम आपको ऐसे ही देंगे। नहीं तो ये रहा पेंट और ये रहा ब्रश, आप खुद मरम्मत कर लीजिए, आप तो खुद आर्टिस्ट हैं। भाई ये आइडिया अच्छा है, इन लोगों को मरम्मत करने देते हैं, तब तक हम लोग चाय वाय पी लेते हैं। आइए मास्टर जी। जी आइए। अरे सरवन की माँ, ब्रश ये दीजिए। थैंक यू। वो रहा। जी हाँ, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ मैं, दूसरों की ज़बान। कभी कभार हिस्ट्री के क्लासेस भी ले लेता हूँ। ये लीजिए ना। नहीं बस शुक्रिया। आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते? जी वो तो आप ही का सब्जेक्ट है, आप ही पढ़ाया कीजिए। अरे बात तो करने दिया करो। आओ भाई, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। अरे इतनी जरा सी करेक्शन के लिए इतना वक्त लगता है? ये तो परफेक्शनिस्ट हैं, ऐसे ही काम करती हूँ। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। चल तू बैठ। आओ बेटे बैठो। ये लो भाई, ये समोसे आप लोगों के लिए रखे हैं। भाई साहब आज तो बहुत ज्यादा वक्त ले लिया हम लोगों ने आपका। अगले इतवार को आप भी आइए ना हमारे यहाँ चाय पर। चाय पर? चाय के बदले में चाय पर बुलाता है कोई? आप खाने पर बुलाइए, आएंगे। जी हाँ आइए ना खाने पर, लेकिन डिनर के बजाय दोपहर के खाने पर आइए। हफ्ते में एक ही दिन तो दोपहर के खाने का मजा आता है, वो भी इतवार को। हाँ जरूर आएंगे। हाँ हाँ चलेंगे, क्यों? जी हाँ हाँ हाँ। भाई साहब आपने तो कुछ नहीं खाया। देखिए नहीं, मीठा तो ले लीजिए। अच्छा लीजिए ना भाई साहब। देखिए बोर्ड तो आपका हम दे देंगे, अब तक सूख गया होगा जी, लेकिन ये लड़की आप हमें दे दीजिए। जी आप बोर्ड ले आइए, लड़की हम ले जाएंगे। ये क्या हिसाब हुआ भाई साहब? देखिए हमारा तो ऐसा ही हिसाब किताब होता है भाई, आपकी लड़की हमें बहुत पसंद है। बहन जी आप भी रुकी, मैं एक बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। देखिए मैं हिसाब किताब का बहुत पक्का हूँ भाई, बोर्ड के पैसे तो हम पूरे लेंगे, लेकिन लड़की तीन कपड़ों में और एक चप्पल, दहेज वहेज कुछ नहीं, एक ढेला भी नहीं, कांच की चूड़ियां और फूलों के गहने पहनाकर ले जाएंगे बहू को। सिर्फ एक शर्त है, पूछा बेटी अपना काम अपनी सर्विस वैसे ही करती रहेगी, हमें घर में खाना पकाने और कपड़े धोने वाली नहीं चाहिए। आपको मंजूर हो तो बोलिए, कल ही पंडित को बुलवाकर एग्रीमेंट करवा देते हैं। एक महीना हो गया, एक बार जाकर ले तो आइए उषा को। अरे भाई आ जाएगी जब उसका जी चाहेगा, दफ्तर में तो बात हो ही जाती है, दिन में कम से कम एक बार तो फोन हो जाता है,
और आते जाते तुमसे भी तो मिल जाती है। ये देखिए समधी जी की फोटो, गुलाब का फूल देखा। भाई बहुत ऊंचे ख्याल आते हैं बाबूदी नाना जी के। आज के जमाने में ऐसा वर मिले तो मिले, ऐसा ससुर मिलता है कहीं? कहने लगे, मैं लड़कियों के काम करने के हक में हूं, खुद उनका पैरों पर खड़ा होना ही जरूरी नहीं है, चलना और दौड़ना भी जरूरी है। बताने लगे, अब यही देखिए, श्रवण की माँ लक्ष्मी, मंदिर भी जाना हो तो एक आदमी का साथ में जाना जरूरी है, बिला वजह डबल किराया खर्च होता है। भाई साहब हर बात में हिसाब किताब जरूर करते हैं। हाँ वो तो है। अरे भाई तुम नाराज क्यों होती हो? तुम्हारा लाया सोना क्या बचा? कुछ तो दुकान बनाने में उठ गया और कुछ टैक्स में चला गया। हम तो सांस लेता सोना लेकर आए हैं दहेज में। पेंशन लग गई पेंशन। देखो 1400 रुपए महीने की तो तनख्वाह लेकर आएगी वो, और फिर ड्राइंग भी अच्छी है उसकी। 1200 रुपए महीने का कारीगर बचेगा दुकान पर। 1200 और 1400, 2600। क्यों?